ये हिंदू जगाने आए थे या मुसलमान जाग गया। मैं ऐलान करता हूँ कि अगर भाजपा के किसी प्रवक्ता ने अब किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो सड़कों पे उनका सामना इस बाल योगी से होगा। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, ज्ञान बापी कहाँ गया? कहाँ गया ज्ञान बापी? जो हर मीडिया में ज्ञान बापी मंदिर मिला, आपको बताइए क्या हुआ? अपने पड़ी का दिबा दिया क्या मामला? अब मस्जिद नहीं मिल रही क्या मंदिर? जिस देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान करते हो, जिस देश के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हो, जिस देश के सांसद और डिप्टी सीएम मुसलमान को दिन रात कोसते हो, बिना मुसलमान की भाजपा नहीं, वहां तो ये परिणाम होना ही था। आज मैं देखा हूँ कानपुर में जब पथराव दोनों तरफ से हुआ, पुलिस खुद पथराव कर रही थी तो एक ही विशेष के समझा एफ आई आर क्यों? नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद पंडित विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से नूपुर शर्मा को भाजपा ने निष्कासित कर दिया है, वहीं जो है तमाम जो है अरब मुल्कों से जो कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है माफ़ी मांगे, लेकिन जिस तरह से लगातार सड़कों पे हिंदुस्तान में मुसलमान उतर रहे, पंडित विजय जी किस तरह से देख रहे हैं सर? लगातार सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, लेकिन जो है भाजपा निष्कासित तो कर दी, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है नूपुर शर्मा की। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान करते हो, जिस देश के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हो, जिस देश के सांसद और डिप्टी सीएम मुसलमान को दिन रात कोसते हो, बिना मुसलमान की भाजपा नहीं, वहां तो ये परिणाम होना ही था। अरे, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है सर। कपड़ों से पहचाने वाला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का? नहीं है, है। बहरे हो क्या? बहराई वाली बात मत करना, जो है तो शांति सुनो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री को लगा धक्का। एक तो बाइडेन जी ने हाथ नहीं मिलाया, गल्फ कंट्री आए थे जूते में छापा, में बहुत दुख हुआ है। आज हमारे भारत की साख गिरी है, आज हम शर्मसार हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे जूते की छाप है, मुझे शर्म है जी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं ना। देखिये, ये एक देखिए, एक नबी, एक मौलाना, एक पंडित, एक राम, इन सबको पहले जानो। तो बाल योगी हैं आप पैगंबर के बारे में उल्टा कहा गया। एक तबका तो उनके साथ में है ना सर खड़ा? कोई तबका उनके साथ नहीं खड़ा है, जो अंधभक्त तबका है थोड़ा बहुत वो ही खड़ा है। अगर खड़ा होता तो अक्षय कुमार की फिल्म टॉप पॉप जाती, वो फ्लॉप हो चुकी है। अच्छा सर, जिस तरह से नूपुर शर्मा के बर्खास्त करिए और तमाम जो है टॉप लीडर 38 लोगों की लिस्ट भाजपा निकाली है, लेकिन जिस तरह से संतुष्टि आप लोग को अभी भी नजर नहीं आ रहा है, ये संतुष्टि तब क्यों नहीं जब हम चिल्ली कर रहे थे? आज इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो आप आ गए घुटनों पर। आप बोले अंधभक्त, बोले ना मोदी जी से। आप कतर का विरोध कर रहे हैं, अभी सुदर्शन टीवी का है वो, क्या नाम उसका, बेट बड़ा पाव, क्या नाम उसका, सुरेश चौहान, बड़ा पाव उसको कहते हैं हम, बड़ा पाव है वो इतनी नफरत उगलता है, कब जेल जाएगा पूछो? अरे पत्रकार है वो सर। वो पत्रकार नहीं, वो बड़ा पाव है, और वो नफरत फैलाने वाला बड़ा पाव कहते हैं उसको हम लोग। आप बताओ, ऐसे लोगों को पत्रकार करते हो शर्म नहीं आती पत्रकारिता की? तुम्हारे अभी हम ऐसे माइक लूं और कुछ भी बोलना सुनना शुरू करो धर्म के खिलाफ किसी के? नहीं कुछ भी, कैसे सेंसर बोर्ड, आपने कानून कार्रवाई होगी, कानून भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती, सवाल तो यही बात का है ना। इंटरनेशनल प्रेशर पे ही कार्रवाई क्यों, हमारे कहने पे क्यों नहीं, सवाल तो यही पूछ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब अपने हैं सर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं कि मुसलमानों से प्रेम है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं बोले कि गृह मंत्री ने जब बयान दिया गुरुग्राम में कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सबसे पहले अगर इस घटने में किसी को इस्तीफा देना चाहिए तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री के पीछे क्यों पड़े हुए? नूपुर शर्मा बयान दी, आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बताइए ये पूरा मामला स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? गुरुग्राम के नमाज से, उसका कालीचरण सिम्मानंद, उसके बाद फिर वसीम रिजवी, उसके बाद आज कहाँ? अच्छा एक चीज मुझे आप मिस कर रहा हूँ, ज्ञान बापी कहाँ गया? नूपुर शर्मा, नूपुर शर्मा, नूपुर शर्मा, ज्ञान बापी कहाँ गया? कहाँ गया ज्ञान बापी? जो हर मीडिया में ज्ञान बापी मंदिर मिला, आपको बताइए क्या हुआ? अपने पड़ी का दिबा दिया क्या मामला? अब मस्जिद नहीं मिल रही क्या मंदिर? मस्जिद अब बस वो मुद्दा कहाँ गया? ये भाजपा देखा आपने? ये भाजपा 24 में किसी भी तरह से जीत हासिल करना चाहती है, और मेरा मानना है ये पूरा प्रकरण 24 के चुनाव को जीतने के लिए किया जा रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं। हमारे देश में रहने वाले सभी समुदाय
सभी जातियों का मैं सम्मान करता हूँ और उनके किसी भी धर्म के पैगंबर भगवान या दिव्य आत्मा के प्रति अगर कोई भी अब शब्द निकालेगा तो पहला विरोध करने वाला कोई शख्स है तो ये बाल योगी होगा। चाहे वो एक मिनट हाँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आरएसएस हो, गोबर भक्त हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ जाएगा ये बाल योगी खड़ा होगा। सर मैं मोदी जी का स्टेटमेंट आज मेरे पास है, आज भी मैं सुना दूं। मोदी जी ने खुद कहा था कि कोई भी, मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी हिंदू अगर इस्लामिक विचारधारा के साथ खड़ा होता है तो वो हिंदू नहीं है। और हिंदू ने सब धर्म सर्वधर्म समभाव सिखाया है। अगर वो ये बात कहते हैं तो उन्होंने गृहमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? पहला इस्तीफा गृहमंत्री, सीधी पहला इस्तीफा गृहमंत्री दे, फिर जितने संबित पात्र इनके टूटे फूटे प्रवक्ता हैं, जितने सांसद, उनके पर कार्रवाई तो हो रही है। 38 लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जिस तरह से छोटे छोटे देश भारत को धमकियां दे रहा है, बताइए बायकॉट प्रोटेस्ट कर रहा है। उन्होंने धमकी क्या दी कि हमारे नबी के खिलाफ ना बोलो, बस यही धमकी दी ना? और तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, आज तक उन्होंने कुछ बोला आपसे? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हमारी आपकी उनसे चल रही है? कोई जंग होगा हमारे? अच्छे संबंध थे सबसे, संबंध है ना? तो अगर आप किसी को बार बार आते जाइए, ये हिंदू जगाने आए थे या मुसलमान जाग गया? आज मैं देखा हूँ कानपुर में जब पथराव दोनों तरफ से हुआ, पुलिस खुद पथराव कर रही थी तो एक ही विशेष के समझाया, एफआईआर क्यों क्यों है कि खिलाफ एफआईआर करते हो भाई? और जो दोषी होगा उन्हीं खिलाफ? 17 साल के बच्चे को ऐसे किया, धक्का दे दिया और उसका बाल घसीट के लेके जा रहे हो, नफरत पैदा कर रहे हो युवाओं के बीच में। ये तो मैं पहले ही बोल रहा था कि तलवारें पकड़ाई जा रही हैं, तब तो तुम ही थे नहीं मिल गई, जिद मिल गई, तब तुम्हें यहाँ रामनवमी रामनवमी के जुलूस निकलवाने में तारीफ करने मोदी सरकार की, तुम्हारे जैसे बेशर्म पत्रकारों को जैसे आज ही सब हो रहा है। सरकार अच्छा काम करे, सरकार को कहाँ से घेर लेते आप? आप बताइए ना, तुम्हें मैं कह रहा तो रहा हूँ, आप लोग सुनते कहाँ थे जब चुनाव जीती? अरे बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, लो सुपड़ा साफ तो कर दिया, हिंदू जगाने आए थे, मुसलमान जाग गया, आप लोग ऐसे करते नहीं, काम तो हो रहे हैं मोदी जी के। हिंदू आप बाल योगी आप कह रहे कि हिंदू जगाने आए थे, मुसलमान कहाँ जग गए बताइए? कपड़े पहचानने के वाले के बयान से देखिए, कपड़े से पहचानने जाते हैं। तुम क्या टोपी अभी दिखाएंगे? 1000 वीडियो है, टोपी लगा बैठता है मोदी, ऐसे बैठे थे तब वो टोपी क्यों लगाए? ये भगवा पहन रहे हैं क्यों? सबूत दोगे? आप भी पहचाने जा रहे हैं, संत हैं आप, सबूत दोगे क्या? संत है ना, सबूत दोगे? आपके भगवा से दिख नहीं रहा? अच्छा, मीडिया से आगे फिर बांटने लगी, कपड़ा उतर जाएगा मध्य प्रदेश में जाके, कह देंगे फांसी लगाए थे, कपड़ा उतरवा दिए, समझ रहे हो ना? इसीलिए डर के मारे तुम लोग कहते हो कि जो बीजेपी करे वो सही है। आज देश की हालत क्या हो गई? आज विदेश में भी हम लोगों को धुतकार दिया गया, आज क्या इमेज बना के रख दी भारत की? अब आज बोल रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। सबसे पहला इस्तीफा गृहमंत्री होगा, इस पूरे पकड़ में सबसे बड़ा दोषी है तो वो गृहमंत्री जी हैं, गृहमंत्री का इस्तीफा। और उत्तर प्रदेश में गया था, पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बता दूं, थैंक गॉड मैं बच के आ गया। बच गए, आप भी लगे डायलॉग बाजी करने नेताओं की तरह। मैं बता दूं आपको, हमारे खुद के मोहल्ले की, खुद के मोहल्ले में जाते ही 2 दिन लाइट नहीं थी, लाइट बराबर यूपी में काटी जा रही है बराबर। चाहे योगी जी तो लगातार ठीक है काम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नूपुर शर्मा, सुनिए नूपुर शर्मा का जो बयान आया उसको लेकर के 38 लोगों का नाम जो लिस्ट जारी किया भाजपा ने, उसको किस तरह से देख रहे हैं? लगातार आप कचरा करते रहते हैं। तुम्हारा मुंह देखें कि उनको देखें? जब वो उनको, उन्होंने कह दिया हमने सुन लिया, जब कार्रवाई होगी तो देखेंगे। ऐसे कार्रवाई नसीमानंद में भी होनी चाहिए थी, उनको आजीवन कारावास मिले। देखो प्रोपेगंडा, तुम नरसिंहानंद को भाजपा का प्रवक्ता है क्या? तुम्हें नरसिंहानंद क्या कह रहा हूँ मैं? नरसिंहानंद अनौपचारिक तौर पे सब है, दिमाग मत लगाया करो, हमें सबूत मत दिलाया करो बार बार। फ्रीज एलिमेंट भाजपा कह रही है, फ्रीज एलिमेंट कह रही है, आप किसी को भी निकाल दे बता दिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को कहिए, जो फ्रिज एलिमेंट है ना, फ्रिज एलिमेंट, फ्रिज में मास्क, फ्रिज में क्या रखा था उसकी वजह से लाशें भी गिराई गई थी। ये जो फ्रिज एलिमेंट है ना, यही तो मसला लेके आया है बेशर्मों के लिए। और मैं आपको एक चीज नोट करवा दूं, और सुनने की क्षमता रखना, ये पूरा पकड़ा, ये पूरा बीज भाजपा का बोया हुआ है, और अब विनाश का समय भाजपा का आ चुका है। सारे इंटरनेशनल प्रेशर हैं, हम भी लोग प्रेशर बना रहे हैं कि किसी भी तरह से इस तरह की घटना ना की जाए। और कहीं ना कहीं अगर आज इस तरह की घटना की जा रही है या कहीं ना कहीं कोई मामला सामने आ रहा है तो ये सर्वसार है, और जिसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके बयान से मामला शुरू हुआ। आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से लगातार नूपुर शर्मा को लेकर के सर बयान अलग अलग आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्या लग रहा है, वजह क्या है?
भाजपा की प्रवक्ता हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भाजपा निकाल अगर, अब कहां प्रवक्ता है? अगर अगर वो अब कहां प्रवक्ता शांति रखो, शांति रखा करो। हाँ। शांति रखा करो, शांति क्या रखो, हम कहा निकाल दी ना। हाँ। भाजपा की प्रवक्ता है, भाजपा से इनका नाम जुड़ा है। हाँ। अभी कोई अदर पार्टी होती, महेश जी ने ना जो गुजरात का था उसको कैसे गिरफ्तार कराया था जाके, क्या बोला था उसने, ऐसे गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? देखिए कि बता दे, पुलिस प्रशासन और ताकत जनता और विपक्ष के लिए, सरकार के लिए कोई माने नहीं रखता। सरकार दोबारा तक थी हमारी गर्दन में तलवार रख के हमसे हिंदू मुसलमान करवा रही है और शिवराज चौहान का बेटा डिग्री दिलवा रही है। नेता बच्चे, इन भाजपा नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तलवार उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नफरत अब बंद होगी। और मैं ऐलान करता हूँ कि अगर भाजपा के किसी प्रवक्ता ने अब किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो सड़कों पे उनका सामना इस बाल योगी से होगा। धन्यवाद। आखिरी आखिरी और अहम सवाल लेंगे बाल योगी जी, आपने कहा कि हिंदू जगाने आए थे मुसलमान जग गए, क्या कहने का तात्पर्य क्या था सर? जो कह नहीं रहे थे कि भैया देखिए हिंदू मेरे प्यारे हिंदू जागो, जो कह नहीं रहे थे कि भैया देखिए हिंदू मेरे प्यारे हिंदू जागो, और मैं इस देश को आदिवासी बनाऊंगा, पत्ते पहनवाऊंगा, पुराने टाइम पे ले जाऊंगा। अब स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा ये बताइए, अखंड भारत की झंड तस्वीर जानते हैं क्या होती है? क्या होती है? और अखंड भारत है कहाँ से? अगस्तालय से लेके मूत्रालय तक, अगस्तालय ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है और मूत्रालय मलेशिया को, वहां से लेकर वहां तक भारत है अखंड। समझ लो इतना बड़ा भारत है। हिंदू जाग गए हैं मतलब। जाग तो गई हैं, देखा तभी तो, तब हिंदू भी जाग गए, मुसलमान भी जाग गए, आप दोनों जाग गए हैं। आप बैठ के बात होगी, हिंदू मुसलमान की नफरत खत्म होगी, अब भाजपा गायब होगी। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। तो ये थे बाल योगी विजय शर्मा, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से लगातार विजय जी सड़कों पर लगातार आवाज़ उठाते रहते, जिस तरह कह रहे हैं कि हिंदू जगाने आए थे और यहाँ जो तमाम मुस्लिम जग गए हैं, इस तरह के बयान जो ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, विजय जी भी यही जो बयान दे रहे हैं लगातार। लेकिन देखना होगा कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होती है, ये तो देखने वाली बात है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।